नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा। साथियों, आज हम बात करेंगे होडल विधानसभा चुनाव क्षेत्र की। होडल विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो आरक्षित है, पलवल जिले का अकेला आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के अरिंदर सिंह से। इन दोनों उम्मीदवारों के साथ साथ 10 अन्य उम्मीदवार वहां चुनाव मैदान में, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 उम्मीदवार होडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। मुख्य रूप से हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार के अलावा, बसपा और इनेलो गठबंधन के सुनील कुमार चुनाव मैदान में हैं। जसपा और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार सतबीर सिंह चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर आप पार्टी के मनोहर लाल चुनाव मैदान में है। इस प्रकार से अगर हम 12 जो उम्मीदवार हैं इनमें से बात करेंगे तो 2 जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के अरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के चौधरी उदयभान, मुख्य मुकाबला उन दोनों उम्मीदवारों में है। चौधरी उदयभान जहां बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, वहीं अरिंदर सिंह पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। चौधरी उदयभान के बारे में अगर बात की जाए तो वो 8 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। होडल क्षेत्र जो परिसीमन से पहले हसनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, उदयभान ने 4 चुनाव यहाँ से जीते और 4 चुनाव हारे हैं। चौधरी उदयभान ने 1987 में पहला चुनाव लोकदल के उम्मीदवार के रूप में जीता था और विधायक बने थे, और दूसरा चुनाव उन्होंने 2000 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। इसी प्रकार से जो 2005 और 2014 में लगातार वो विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर। अगर हम चौधरी हरिंदर सिंह की बात करें तो उनके पिता यहाँ से 1991 में विधायक रह चुके हैं और 3 बार वो उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव हारे और 1 बार चुनाव वो जीते थे, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी उदयभान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के कमांडर को अगर घेरा जाए तो कांग्रेस पार्टी पे जबरदस्त अटैक किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उदयभान हैं, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है। ये एक उदयभान के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उदयभान को जाना पड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हरिंदर सिंह, वो बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने दे रहे हैं। इस चुनाव जीतने के साथ साथ चौधरी उदयभान की एक साख का भी सवाल इस चुनाव में है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका पहला चुनाव है और पहला चुनाव अगर वो किसी तरीके से जीत जाते हैं तो उनका और ज्यादा कद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बढ़ेगा। अगर चुनाव किसी तरह से वो हार जाते हैं तो उनकी साख का भी सवाल यहाँ खड़ा होता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को हराने के लिए पूरी जो रणनीति है वो तैयार की है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं हरिंदर सिंह, उनको कृष्णपाल गुर्जर का नजदीकी माना जाता है। कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो उन्होंने हर तरह से अपने साथी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हरिंदर सिंह को हराने में किसी तरह की कोई कसर और कसर नहीं छोड़ रखी है। अपने पूरी जो पार्टी की टीम है, जो केंद्रीय टीम है और स्टेट की जो टीम है, पूरी इकाई को वहाँ होडल विधानसभा क्षेत्र में लगाया हुआ है। इस प्रकार से ये देखने वाली बात है कि चौधरी उदयभान वहाँ से चुनाव 5वीं बार जीत पाते हैं या उनकी साख को चुनौती देने में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी हरिंदर सिंह वो कामयाब होंगे। साथियों, होडल विधानसभा क्षेत्र को एक जाट बाहुल्य सीट माना जाता है,
जाट बाहुल्य सीट होने के कारण कांग्रेस पार्टी को यहाँ जो चौधरी उदयभान है उम्मीदवार, उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर चौधरी उदयभान को जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो शासन हरियाणा प्रदेश में रहा है, भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ चौधरी उदयभान को कांग्रेस प्रेसिडेंट होने का लाभ भी उनको कहीं ना कहीं उनके उनके जो जीत है वो उसको सुनिश्चित करने में कामयाब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी रणनीति के तहत चौधरी उदयभान को घेरने में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे केंद्र की टीम हो, चाहे स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की इकाई हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर की टीम हो, और हर तरह से उन्होंने एक रणनीति के तहत चौधरी उदयभान को घेरा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 5 अक्टूबर को जो होडल का मतदाता है किसके पक्ष में अधिक मतदान करेगा और किसके पक्ष में कम मतदान करेगा, ये तो साथियों 8 अक्टूबर की मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा।